का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। सुबह सुबह कॉलेज का टाइम है, विद्यार्थी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ का नज़ारा अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ हरोरा। जी देखिए आप सुबह सुबह बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं AFT यूनिवर्सिटी के। और आपको मैं बता दूँ ये नज़ारा यहाँ के लोगों को देखिए किस प्रकार रहते हैं, आपका मन करेगा इन लोगों को देखने का। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, छत्तीसगढ़ के। यहाँ देखिए आप किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, आपको ये अंदाज़ा देखकर लगा सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नज़दीक लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित एक गांव खरोरा है, जहां के लोग देखिए किस प्रकार यहां पर निवास करते हैं। छोटे छोटे घर छोटे हैं, लेकिन यहां पर आनंद का महसूस बड़ा होता है। देखिए आप देख सकते हैं, आप यहां का भी माहौल देख सकते हैं। माहौल कैसा भी हो, वहाँ ढलना आपको पड़ता है, ये हमें बचपन से ही सुनने के लिए आ रहा है और सही भी है। ये देखिए खरोरा का तालाब है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। यहाँ पर यानी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर धान यानी चावल की पैदावार बहुत है। आपको बता दें कि ये जो तालाब है बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लोग आते हैं नहाने के लिए। और जो यहाँ का जो सीन है, सीन बोले तो प्राकृतिक हवाएं, प्राकृतिक वृक्ष बहुत ही मन को मोहता है। पीछे का भी नज़ारा बड़ा ही मनमोहक है, देखेंगे हम, मेरा मित्र ही आ रहा है वहाँ पे। और भी देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में भगवान विराजमान है। और यहाँ देखिए डॉगी यानी कुत्ते लड़ रहे हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे जो माहौल है, ये मेरा मित्र है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे देखिए आप धान की खेती, मैंने बताया आपको ये चारों तरफ ना यहाँ धान यानी चावल की पैदावार होती है, धान अधिक मात्रा में है। यहाँ पे गेहूँ नहीं मिलेंगे, लगभग लगभग धान ही सब जगह है। देखिए आप ये मेरे मित्र लोग कॉलेज चले गए हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो शूट करके बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, आप भी यहाँ की अनुभूति फ्री ले सकते हो। यहाँ पे धान की खेती देखिए आप, ये देख रहे हैं ना, ये धान चारों तरफ यहाँ धान की खेती होती है। देखिए आप देखा, छत्तीसगढ़ का नज़ारा ही कुछ और है यार। अपने हमारे यूपी में या हमारे गांव कुआ घोसी में तो देखो गेहूँ सबसे ज़्यादा मिलता है, मटर गेहूँ, लेकिन यहाँ पे आपको देखो धान की खेती होती है। देखिए अलग अलग जगह का अलग अलग माहौल, देखिए निकलिए अपने घर से, घर में ना बैठे, अपने कम से कम भारत नहीं तो अपना राज्य, बगल का राज्य, अगल बगल का राज्य तो जरूर घूमें। इन्हें गड्डन को देख के एक बात की ध्यान और आई कि हम आए जो ITI कॉलेज है ललितपुर में, सिद्धन ताई जाओ उते भी ऐसे ही गड्ढा, तो भैया सब जगह ऐसे गड्ढा है, गड्ढन पे ध्यान नहीं देने। प्राकृतिक नज़ारे देखिए यहाँ से, आप देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है भाई। सुबह सुबह से निकलना
पड़ता है घर से और निकलना जरूरी है, क्योंकि आपकी आंखों को ये पेड़ पौधे वाला जो रंग है ना हरा, बहुत ही शोभित और शांति प्रदान करता है। तो भाइयों, देखिए आप नज़ारे को और प्रतीत कीजिए एक सुकून शांति। तो भाइयों, अब मैं चलता हूँ और आगे। भाइयों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मैं आपको इसी तरह छत्तीसगढ़ और घुमाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात जरूर ना भूलें कि ई चैनल को तनक शेयर और वीडियो हो कर दियो। तो भैया, हम हैं छत्तीसगढ़ में लेकिन बोलेंगे हम अपनी यूपी की भाषा यानी बुंदेलखंडी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपका अपना PSK एंड सुनील कुशवाहा। चलते हैं अगली वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।